पर नर्स ने आरोप लगाए हैं कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि एक अन्य नर्स और वार्ड बॉय भी शामिल है। आक्रोश का ये उबाल अभी शांत भी नहीं हुआ था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के साथ दरिंदगी की खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पीड़िता इस हॉस्पिटल में पिछले 10 महीने से नर्स के तौर पर काम कर रही थी। आरोप है कि पीड़िता को वार्ड बॉय जबरन डॉक्टर के कमरे में लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे बंधक बनाया। इसके बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता के FIR पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। नर्स ने आरोप लगाए हैं कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि एक अन्य नर्स और वार्ड बॉय भी शामिल है। इसमें पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके तीनों की गिरफ्तारी कर दी है। इस समय हम उसी ABM हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पे ये घटना 17 तारीख की रात को घटी है। फॉरेंसिक टीम ने आकर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकर इस पूरे अस्पताल को सीज कर दिया है। आप देख सकते हैं डिस्पेंसरी यहाँ पे अस्पताल की है, जिसमें सीज की कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद पेशेंट थे, उनको अन्य अस्पताल में भिजवा दिया और पूरे अस्पताल को सीज कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल यहाँ पे सीज है। और आगे हम बढ़ेंगे, जो यहाँ पे पेशेंट हॉल है जहाँ पे मरीज भर्ती होते हैं, वो भी पूरी तरीके से सीज की कार्रवाई उस पर की गई है। ऊपर की तरफ जहाँ पे डॉक्टर बताया जा रहा है, डॉक्टर का रेजिडेंस है, वो भी पूरी तरीके से सीज कर दिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो आरोपी डॉक्टर शहनवाज है, उनका रेजिडेंस है। बताया जा रहा है कि जो वार्ड बॉय है उनके, आपको बता दें कि नर्स के साथ इस घटना को अंजाम 17 अगस्त को उस वक्त दिया गया जब वो नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी BA की छात्रा है। वो पिछले 10 महीने से इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही है। उसे अस्पताल से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आने जाने का खर्च दिया जाता है। 17 अगस्त को उनकी बेटी नाइट ड्यूटी पर थी। ड्यूटी के दौरान ही पीड़ित नर्स को एक दूसरी नर्स ने कहा कि उसे डॉक्टर शहनवाज बुला रहे हैं। इस पर पीड़िता ने जाने से इनकार कर दिया, फिर वो अपने काम में लग गई। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे दोबारा वार्ड बॉय आया और उसने कहा कि डॉक्टर के पास चली जाओ। फिर जबरदस्ती उसे डॉक्टर के कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जहां पर आरोपी डॉक्टर ने उसे पहले बंधक बनाया, फिर उसके साथ रेप किया। इस दौरान पीड़िता दूसरी नर्स को आवाज देकर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहां पर उसे बचाने कोई नहीं आया। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने कहा कि जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन किसी को भी कुछ बताना नहीं, अगर बताया तो जान से मरवा दूंगा। पीड़िता के परिजन के अनुसार पूरी घटना के दौरान आरोपी वार्ड बॉय ने उनकी बेटी का मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर अपने पास रख लिया था। सुबह जब बेटी घर पहुंची तो अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, तब जाकर घर वाले थाना पहुंचे और अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टक।